कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अगर देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं उस पर आप आपत्ति करते हैं, और वहां अमेरिका जाके इल्हान ओमर से मिलते हैं उस पर आपत्ति नहीं है? कि शायद यह आपत्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री के मिलने से नहीं है, यह आपत्ति गणपति पूजा से है। इन दिनों गणेश चतुर्थी का पर्व देश भर में हर्ष और उल्लास के बीच मनाया जा रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा समारोह में हिस्सा लिया। इसका वीडियो सामने आया है और इसके बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं, तो कुछ लोग जो पीएम मोदी के इस कार्य के समर्थन में है वे सोशल मीडिया पर विरोधियों की मौज ले रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष ने इसे लेकर न्यायपालिका प्रणाली और इसकी आचार संहिता में पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। अब विपक्ष द्वारा उठाए गए इन सवालों का जवाब भाजपा ने दिया है। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर बीजेपी की ओर से भाजपा सांसद संबित पात्रा ने विपक्ष की क्लास लगाई है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस मुद्दे पर उन्होंने विपक्ष से क्या कुछ पूछा और क्या कुछ कहा। कुछ नेताओं ने कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आवास गृह में उनके इन्विटेशन पर गणपति जी की उपासना की, उनकी आरती हुई, उसको लेकर भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? कैन नॉट द डिफरेंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी मीट? कैन नॉट दे कन्वर्ज? शुड नॉट दे बी फ्रेंड्स? शुड दे बी एनिमीज? शुड दे नॉट बी टॉकिंग टू ईच अदर? शुड दे नॉट एक्सटेंड अ हैंडशेक? शुड दे नॉट हैव कर्टसीज एक्सटेंडेड टूवर्ड्स ईच अदर? क्या आप सोचते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारत के प्रधानमंत्री कैसा व्यवहार दोनों का एक दूसरे के प्रति होना चाहिए? क्या एक दूसरे को देख के मुस्कुराना नहीं चाहिए? क्या एक दूसरे के प्रति सद्भाव नहीं होना चाहिए? दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। तभी तो हम दूसरे राष्ट्रों से अच्छे हैं। जिन राष्ट्रों में डेमोक्रेसी और लोकतंत्र नहीं है उनमें किस प्रकार का व्यवहार जुडिशरी के साथ किया जाता है, और हमारे देश में काम करते समय अलग व्यवहार और काम से इलहदा, उससे अलग हटकर अलग व्यवहार, यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है। मुझे आश्चर्य होता है इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अगर देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं उस पर आप आपत्ति करते हैं, और वहां अमेरिका जाके इल्हान ओमर से मिलते हैं उस पर आपत्ति नहीं है? जो पीओके के साथ खड़ा है, जो देश को बेचना चाहता है, जो हिंदुस्तान के विपरीत बुद्धि रखती है, उसके साथ मिलने से कोई आपत्ति नहीं है? चीन के राष्ट्राध्यक्ष प्रीमियर से मिलते हैं, सी जिनपिंग जी के साथ गुफ्तगु करते हैं और एमओयू चोरी चोरी चुपके चुपके देश को बेचने का करते हैं, उससे आपको आपत्ति नहीं है? जॉर्ज सोरोस से रात के अंधेरे में मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश करते हैं, उससे आपको आपत्ति नहीं है? और देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, देश के चुने हुए राष्ट्रपति, चुने हुए इनडायरेक्टली, और अगर सीजेआई, इन लोगों के बीच में इंट्रैक्शन होता है तो आपको उससे आपत्ति होती है? ये कैसे आपत्ति हो सकती है? मुझे बहुत आश्चर्य लगता है और मुझे लगता है कि मुझे आईना दिखाना चाहिए। मुझे ऐसा भी समझ है कि शायद यह आपत्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री के मिलने से नहीं है, यह आपत्ति गणपति पूजा से है। और स्वाभाविक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महाराष्ट्र से आते हैं, गणपति जी की उन्होंने उपासना रखी, उन्होंने बहुतों को बुलाया होगा और सभी गए होंगे। मगर जिस प्रकार से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री इफ्तार की पार्टी रखते थे, क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं आते थे? जब इफ्तार पार्टी में चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री मिल सकते हैं और बैठ सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, दे कैन ब्रेक ब्रेड्स टूगेदर, उस समय जब एक टेबल पर बैठ के दोनों की बात हो सकती है, वह भी एक त्यौहार है, यह भी एक त्यौहार है, दोनों त्योहारों के बीच ये पार्थक्यता क्यों है? और आज जैसे मैंने बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल किया, वैसे ही मैं कहूंगा दैट देर आर सम सिली सोल्ड आउट सो कॉल्ड सेक्युलर्स हु विल ऑब्जेक्ट टू सच काइंड ऑफ कर्टसी विजिट्स, but the maturity of this great democracy is tall enough to bypass these kind of immature talks, these kind of I would say childish talks that is taking place right now in
इंडियन पॉलिटी।